पसवी सीए के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। आज का विषय है प्रति उपसर्ग या सॉरी उपसर्ग प्रत्यय। सबसे पहले उपसर्ग का अर्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कोई भी शब्द हो सकता है वो सबसे पहला जुड़ता है, यानी सबसे पहले शुरुआत जो करते हैं एक शब्द को लिखते वक्त उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अपने भी शब्दांश इतने सार्थक नहीं होते किंतु जिस शब्द के साथ ये जुड़ते हैं उसके अर्थ में थोड़ा हेर फेर अवश्य कर देते हैं। सिर्फ उपसर्ग कोई एक शब्द है ना, उस शब्द को लिखते वक्त अपने आप में कोई उसका अर्थ नहीं होता, उसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। लेकिन किसी अन्य शब्द के साथ उसे मिलाया जाता है, यानी इसके साथ अन्य शब्दों को मिलाया जाता है, यानी इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं तो थोड़ा बहुत अर्थ में एर फेर हो सकता है, लेकिन एक निकट अर्थ वहां स्पष्ट रूप से हमें समझने को मिलता है। उदाहरण स्वरूप को बल का अर्थ है शक्ति, तो बल तो उसका अर्थ है शक्ति, यानी अर्थ अलग है इस उपसर्ग का। लेकिन उसी बल का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, यानी उपसर्ग प्रत्यय को जोड़ते वक्त यहाँ मैंने पहले से लिखा है प्रा जो कि उपसर्ग है, प्रा प्लस बल प्रबल, तो यहाँ प्रबल को लिखते वक्त यानी उसे जब हम विघटन करते हैं तो प्रा अलग और बल उसका अलग अलग करके दो हिस्सों में यहाँ बांट के या दो हिस्सों में यहाँ लिखा गया है। अवनति अवगुण अवतार
विज्ञान निर्णय परामर्श परिच्छेद प्रकृति प्रभात विनोद विहार समय संख्या में। किन्हीं किन्हीं शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग होते हैं, जैसे आदि नियम। यहां देखो, यहां उदाहरण दूंगी मैं। आदि तो ये एक शब्द हुआ, ठीक उसी प्रकार नी और यम। लेकिन इसे जब जोड़ोगे तो एक ही शब्द अंश हुआ यहां, आदि नियम। तो आदि नियम तो इसका अलग अर्थ प्रस्तुत हुआ। तो यहां आदि तो ये एक उपसर्ग हुआ, नी एक हुआ और यम उसके साथ दो भी लिख सकते हैं। यानी उदाहरण के लिए दिया तो आदि नियम एक हुआ, नियम भी लिख सकते हैं। लेकिन इसे जब जोड़ोगे तो आदि नियम का शब्द आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार संस्कृत में कुछ पूरे शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग उपसर्गों की तरह होता है, इन्हें गति शब्द कहते हैं। तो गति शब्द यानी संस्कृत के कुछ शब्द हैं उसका प्रयोग उपसर्ग में हम लोग करते हैं, यानी उपसर्गों की तरह हम करते हैं तो उसे हम गति शब्द कहते हैं। तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार सुनो आप लोगों। उदाहरण के लिए अज्ञान अकाल अनेक आदि। यानी इसे लिखते वक्त यानी आप प्लस ने तो लिखते वक्त क्या होगा, अनेक। तो ये भी इस वर्ण का प्रयोग हम लोग इस शब्द के साथ करेंगे तो अनेक शब्द हमें प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार कुछ उदाहरण ये अंत अंतःपुर अंतर्यामी अंतरात्मा चिर चिरकाल चिरंजीवी चिरकुमार पर परोपकार परदेशी पराधीन पूर्व पूर्व पक्ष पूर्व निश्चित बहु बहुमूल्य बहुवचन बहुमत सह सरस सजीव सोदाहरण सह सहगान सहचर सहपाठी सहयोग स्व स्वदेश स्वतंत्रता स्वराज्य। तो ये कुछ संस्कृत यानी गति शब्द के लिए उदाहरण है। ठीक उसी प्रकार हिंदी के अपने उपसर्ग बहुत थोड़े हैं, उदाहरण तो हिंदी के अपने ही कुछ उपसर्ग हैं जो कि बहुत थोड़े हैं, लेकिन यहाँ उदाहरण उसका भी दिया है। अज्ञान अन अनपढ़ ठीक ज्यादा भी है चाहिए तो सुनो। तो आ से अज्ञान अलग अकाच अन अनपढ़ अनदेखा अनसुनी अनवन अध अध कचरा अधमरा अधसेरा उन उनचास उनतालीस उनसठ उनहत्तर औ औगुण औगट औडर सु सपूत सुगढ़ सुजन सुडोल नी निकम्मा निडर निदड़क निहत्या। अरबी फारसी के उपसर्ग तो अरबी फारसी के भी उपसर्ग है कम कम अकल कमजोर कम समझ। यानी कम शब्द जो कि शब्द है उसका प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ करके जो मिलता है उसका उदाहरण याद दिया, लेकिन अरबी फारसी के शब्दों से गैर गैर सरकारी गैर जरूरी गैर हाजिर बद बदकिस्मत बदचलनी बर्तमीज बदनाम बिना बिना वजह बिला शक बिला शर्त बे बेकटके बेदर बेचारा बेसमझ हर हर रोज हर आदमी हर एक। तो ये अरबी फारसी के शब्द हैं। तो मैंने आपको आज की क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में यहाँ जानकारी दी। तो यहाँ फिर से एक बार में
आप लोगों को दोहराऊंगी, लेकिन यहाँ फिलहाल मैं आपको फिलहाल मैंने आपको पढ़ाया है उपसर्ग के बारे में था। उपसर्ग यानी उपसर्ग प्रत्यय के बारे में मैं पढ़ाऊंगी। उपसर्ग यानी यहाँ सबसे पहले जो लिखते हैं ना, इतना याद रखो, सबसे पहले जिस शब्द का या जिस वर्ण का प्रयोग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग सबसे पहले शब्दों को आप लिखते हो उसे उपसर्ग कहते हैं। यानी
प्रयोग हम लोगों ने मैंने पहले कहा, लेकिन यहाँ उसी का प्रयोग से कुछ अलग, यानी प्रत्यय में आपको अगर मैं कहूँ तो सबसे आखिरी में कितने बार, तो ये क्या दिया है गंभीरता, ठीक उसी प्रकार क्रिया विशेषण बनाते वक्त देने वाले कुछ उदाहरण में प्रथम से प्रथमता, विशेष से विशेषता, यानी ता का प्रयोग करते वक्त ध्यान से सुनो, तो इस तह का प्रयोग करते वक्त आप लोग विशेषता इसका प्रयोग करते, यानी सबसे आखिरी जो आया है वो प्रत्यय, ठीक उसी प्रकार पूछ सकती हूँ, मैं फिर से एक बार दोहराऊंगी। तो इतने में मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, सभी को मेरा धन्यवाद।